रानी रूपमती के महल में आकर आज हमारे संग तो आप एक खूबसूरत दिन बिता ही रहे हैं, लेकिन ये दिन और भी मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हमारे संग एक बहुत ही खूबसूरत दिन बिताने आ गई है सीरियल कुमकुम भाग्य की दिशा यानी कि रुचि। झूम रही है दिशा, कभी कर रही है स्लो मोशन अंग्रेजा, कभी कर रही है इलाही डांस, और कभी बिल्कुल क्यूट क्यूट अंदाज में अपने पार्टनर के साथ बन गई है घोरी घोरी छोरी छोरी। कुमकुम भाग्य की दिशा आज अपना वो साइड दिखा रही है जो उनके सीरियल में भी आपने कभी नहीं देखा होगा। रुचि आज सास बहू और बेटा के साथ कर रही है डांस वाला डे आउट। भाई वो इसलिए क्योंकि उन्होंने हाल ही में डांस करना सीखा है और अपने पार्टनर राघव के साथ वो अपने डांस मूव्स दिखाएंगी, तरह तरह के स्टेप्स दिखाएंगी। भाई सीरियल के कलाकारों को अभिनय करने के अलावा ढेर सारी और चीजें भी आती हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम डे आउट सेगमेंट में आपको कसतारों की यही कुछ अनदेखी बातें दिखा सके। और आज कुमकुम भाग्य की दिशा यानी रुचि सवर्ण के साथ हम कुछ ऐसा ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रुचि के साथ हम जाएंगे उनके डांसिंग स्कूल में, देखेंगे कि कैसे वो डांस की प्रैक्टिस करती हैं, कैसे डांस के वीडियोस बनाती हैं, कैसे अपने पार्टनर्स के साथ अपने डांस को निखारती हैं, कैसे बनते हैं उनके डांस वीडियो। भाई ये सब जानने के लिए आज हमें रुचि के साथ पूरा दिन बिताना होगा और उनकी डांस जर्नी में उनके साथ चलना होगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधा चलते हैं रुचि सवर्ण के घर पर जो कर रही है हमारा इंतजार। हाय, मैं हूँ रुचि, आप सबकी दिशा कुमकुम भाग्य से। आज सास बहू बेटियाँ मेरे साथ है और मैं उनको अपने साथ लेकर जाने वाली हूँ एक बहुत ही फन एक्टिविटी के लिए। बहुत दिनों बाद मैं कुछ ट्राई करने वाली हूँ, वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सरप्राइज। पर रुचि के साथ सवार हो जाते हैं हमारी गाड़ी में और फर्राटे से निकल पड़ते हैं उनके डांस स्कूल की तरफ क्योंकि आज वो कुछ न्यू ट्राई कर रही है। मैं आज आपको जहाँ पर लेकर जा रही हूँ वो मेरे लिए भी बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होने वाला है क्योंकि मेरा बीच में एक फेज था जहाँ पे मेरा शोल्डर का थोड़ा इश्यूज चल रहे थे एंड आई हैड टू गो थ्रू अ प्रोसीजर, और उसके बाद में अब मैं ये जो चीज़ अटेम्प्ट करने वाली हूँ ये मेरे लिए भी बहुत एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद डांस करने वाली हूँ। सो मेरे लिए भी ये बहुत एक्साइटिंग है। मुझे नहीं पता, मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा प्लीज़, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत लिमिटेशंस है। तो मैं अपने शोल्डर के इशू के बाद में कुछ अटेम्प्ट करने वाली हूँ तो वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। श्रुति है जो बहुत स्वीट है, ज़्यादातर सीन्स तो उसके साथ होते हैं मेरे, और इस शो से मुझे सबसे बड़ा जो रिश्ता मिला है वो स्वाति आनंद है जो अब आपको नागिन में भी दिख रही हैं। हमारे शो में वो मिताली भाभी का रोल करती हैं तो वो एक थोड़ा सा बियॉन्ड द शो आपको कुछ आपके लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं कुछ लोग मिलने के लिए। तो वैसे मेरे ख्याल से मुझे मेरे लाइफ में कुमकुम भाग गया है ताकि मैं स्वाति दी से मिल पाऊँ और एक अलग सोल जुड़ी हुई है हम लोगों की। अब तो हमारे पास दोनों के पास पेट्स भी है। सो वैसे घर से डांस स्कूल के सफर के दौरान हमें रुचि का एक और टैलेंट पता चला। भाई इन्हें गाने का बहुत शौक है और 80s और 90s के गाने इनके फेवरेट है, तो जरा सुने उनका सुर। और क्या अहद वफा होते हैं लोग मिलते जुदा होते हैं, और क्या अहद वफा होते हैं।
रुचि ने यूं तो कई सीरियल्स, हिंदी फिल्में और मराठी फिल्मों में काम किया है, लेकिन उन्हें पहचान मिली है जी टीवी के सीरियल कुमकुम भाग्य से। और इतने सालों से ये शो दर्शकों का दिल लुभा रहा है और इस शो ने रुचि की जिंदगी भी बदल दी, क्योंकि उनकी शादी भी इसी शो के कलाकार अंकित के साथ हुई थी। दिशा से ही पहचानते हैं, कुमकुम भाग्य से पहचानते हैं, सो कुमकुम भाग्य ऑफ कोर्स बहुत बड़ा ब्लेसिंग रहा है मेरे लिए। सो या इसका बहुत बड़ा मेरे ख्याल से श्रेय श्रुति और शब्बीर को जाना चाहिए, क्योंकि वो जिस जो सोल लेकर आते हैं सेट पे, आपके जो मुख्य कलाकार होते हैं, जो वो जिस तरह से एक एटमॉस्फेयर सेटअप करते जाते हैं, वैसा वैसा वो माहौल बनता जाता है एंड एवरीबडी स्टार्ट्स बिकमिंग लाइक दैट। तो एक बहुत मज़ा आता है, मतलब व्हेन आई गो ऑन द शूट्स तो मैं तो बहुत आई लुक फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि बहुत मज़ा आता है, इट्स लॉट ऑफ फन। रुचि के साथ झूमते गाते हम पहुंचे उनके डांसिंग स्कूल, जहां पर उनके डांस गुरु उनका इंतजार कर रहे हैं। ये मेरा कोरियोग्राफर है राघव, सो ये मुझे बिल्कुल बेबी स्टेप्स लेके मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है डांस, सो लेट्स सी। भाई तो रुचि अब रेडी होकर तैयार है और आज वो अपने डांस पार्टनर के साथ अपने कुछ नए नए म्यूजिक वीडियो शूट करेंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ी एक्सरसाइज और वार्म अप जरूरी है। मैंने आपसे कहा था कि आज हम लोग डांस प्रैक्टिस करने वाले हैं, थोड़ा सा शूट करने वाले हैं, पर डांस से पहले क्या होता है, वार्म अप। तो वार्म अप के बिना तो मैं कुछ भी करूँगी तो मैं और इंजर हो जाऊँगी, सो मुझे राघव कराने वाला है वार्म अप, उसके बाद में हम लोग एक्चुअल डांस शुरू करेंगे, पर वार्म अप इज वेरी नेसेसरी, सो चलो राघव कूल लेट्स डू दिस। अब रुचि का वार्म अप हो गया है, वार्म अप सेशन हो गया है हमारा। तो वार्म अप सेशन हमारा ज़्यादा धमाल था, इनफैक्ट इन्होंने एक्चुअल रूटीन मेरे लिए थोड़ा सिंपलिस्टिक रखा है, बट दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। राघव तुम्हें क्या कहना है? सो जो हमारा रूटीन है बहुत फन है, इसमें थोड़ा लिप्स एंड ड्रॉप्स भी रखा है हमने, सो शी इज अमेजिंग, उन्होंने बहुत फास्ट पिकअप किया, हमने लिटरली लाइक दो या तीन बार रिहर्सल किया होगा, दैट्स ऑल, उसके शी इज एन अमेजिंग डांसर। नथिंग, शौकिया शौकिया गायक, शौकिया डांसर। तो शूट करते हैं गाना नंबर वन इलाही, जहां जवानी दीवानी के गाना काफी ग्रूवी है और रुचि और राघव इसी गाने पर अपना पहला वीडियो परफॉर्म करेंगे। He is expert in bachata and he also teaches a lot of forms. But isme usne song ke mood ke hisab se sab kuch modify karte hue, he is like nicely blended in with the song. अब बारी है म्यूजिक वीडियो नंबर टू की, जो गाना है गोरी गोरी छोरी छोरी, जी हाँ फिल्म मैं हूं ना का ये गाना डांस करने पर मजबूर कर देता है, तो जरा देखें इस पर ये वीडियो। Thank you.
अब बारी है ड्रेस चेंज की, क्योंकि अब यह अगला गाना ये लोग शूट करने वाले हैं और जो इंटरनेट पर रिलीज करेंगे। इसके लिए दोनों के कपड़े बदल गए, व्हाइट व्हाइट कपड़े पहनकर ये तैयार है। सो हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली है एंड इट्स टाइम नाउ टू गो विद द फाइनल टेक। राघव और मैं चेंज कर चुके हैं एंड वी आर इन जीतू जी थीम राइट नाउ, ऑल व्हाइट बिकॉज वी लव हिम, वी आर फैंस ऑफ हिम। और मेरे साथ है मेरी बेस्ट फ्रेंड अनी अनिमा एंड शी इज़ माई बिगेस्ट मॉडल सपोर्ट एंड वी हैव नईम विद अस हु इज़ गोइंग टू शूट आर एंटायर डांस परफॉर्मेंस। सो ये एक मिली जुली भगत होने वाली है और ये सब मेरी अपनी कोर टीम है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये गाना है स्लो मोशन अंग्रेजा। जी हाँ, फरहान अख्तर की फिल्म भाग मिल्खा भाग का ये गाना भले गुर्जर जमाने की याद दिलाता हो, लेकिन इसके बीट्स आपको नाचने पर मजबूर कर देंगे। फाइनली इनका ये म्यूजिक वीडियो हुआ शूट, तो देखते हैं कि म्यूजिक वीडियो शूट होकर कैसा लग रहा है। बहुत मस्ती किया शूट में हमने, मस्ती मजा पागलपन ज्यादा किया हमने, बहुत मजा आया। नॉन डांसर के साथ डांस करने में मजा आया तुम्हें? ऐसा कुछ डांस विद सच प्रोफेशनल पीपल, इनके साथ बहुत ऑनेस्टली बहुत ज्यादा मजा आया। मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि ये नॉन डांसर है करके। अच्छा। बहुत अच्छा किया है ना? नहीं, पर सच में मेरे लिए भी बहुत, इट वाज सच अ फन एंड लर्निंग एंड ऐसा सेशन था मेरे लिए जिससे मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस आया है दैट आई कैन गो ऑल आउट एंड डांस। पर म्यूजिक वीडियो शूट होने के बाद अब देखते हैं एक झिंगाट परफॉर्मेंस। पर ये बिल्कुल रोड साइड परफॉर्मेंस है जिसमें सीटियां बजने वाली हैं। तो देखा आपने रुचि सवर्ण का ये टैलेंट जिससे आप अब तक अनजान थे। भाई डांसिंग सबका हॉबी होता है, लेकिन कलाकारों के लिए डांस करना बहुत जरूरी है और आजकल तो इंटरनेट के म्यूजिक वीडियोस का टाइम आ गया है। सास बहू और बेटिया के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, मतलब आपकी रुचि की तरफ से, मेरी क्रिसमस और न्यू ईयर की बहुत 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 शुभकामनाएं। प्लीज ड्रिंक एंड ड्राइव मत कीजिए, न्यूसेंस मत क्रिएट कीजिए, बहुत प्रोडक्टिव वे में अपना न्यू ईयर शुरू कीजिए। रिजोल्यूशंस वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कभी पूरे नहीं होते हैं, तो एक क्लीन स्लेट की तरह ये नया साल शुरू कीजिए। सो हैप्पी न्यू ईयर। सभी कलाकार अपने अपने कोरियोग्राफर्स और दोस्तों के साथ म्यूजिक वीडियो बनाते हैं और डालते हैं और टिकटॉक जैसे ऐप्स पर ढेर सारे लाइक्स पाते हैं, तो उम्मीद करते हैं रुचि सवर्ण की ये कोशिश उनके सीरियल की पॉपुलैरिटी में कुछ चार चांद ऐड करे और उनका डांसिंग टैलेंट सबके सामने आए। और यही डांसिंग टैलेंट दिखाने की कोशिश की सास बहू बेटिया ने अपने इस डांस वाले डे आउट में।
मुंबई से नुपुर मावची के साथ आज तक ब्यूरो।